हेलो नमस्ते जय माता दी मेरा नाम है रूबी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल गांव की मानसी पे जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ आप सभी के साथ बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉग और मेरे कुछ कुछ मेकअप के वीडियो भी यहाँ पे जाते हैं तो मेरी कुछ बहनें हैं जिनको मेरा नाम नहीं पता है तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपना नाम बताया है और मेरी कुछ बहन और भाई हैं जिनको ब्लॉग के समय पे ब्लॉग चाहिए और मेकअप की वीडियो जैसे मैं शेयर करती हूँ ना तो उनको ना ब्लॉग डेली चाहिए तो इसीलिए मैं ब्लॉग का वीडियो ब्लॉग के समय पे ही डालती हूँ मतलब सुबह ग्यारह बजे और जो मेकअप का वीडियो मैं कभी कभी शेयर करती हूँ उसको मैं आगे पीछे कर देती हूँ तो आज मैं आप सभी के साथ अपना हरतालिका हाँ तीज रियल मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ तो देखिए सबसे पहले मैंने मेरे फेस को फेस वाश से अच्छे से क्लीन किया हुआ था मतलब साफ़ सुथरा चेहरा मेकअप करने से पहले कर लेना चाहिए फिर उसके बाद आपको चेहरे पे लगाना है टोनर टोनर मैंने लिया हुआ था या फिर गुलाब जल भी ले लेती हूँ कभी कभी उसको चेहरे पे लगा के सूखने के लिए छोड़ना है तुरंत ही दूसरा प्रोडक्ट नहीं लगाना है टोनर को थोड़ी देर के लिए सूख दे सूखने के लिए छोड़ना है या फिर गुलाब जल लगा रहे हैं तो उसे भी सूखने के लिए छोड़ना है फिर उसके बाद मैंने मेरे चेहरे पे लगाया हुआ है सीरम सीरम मेरा गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम है मेरी एक बहन ने पूछा था बहुत पहले मेरी वीडियो में तो मुझे याद नहीं था तो उस समय मैंने बताया नहीं था तो सीरम को लगा के आपके चेहरे पे अच्छे से एब्जॉर्ब करना है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ देना है कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए हाथ को थपथपाते हुए सीरम को लगाना है रगड़ना नहीं है ज़्यादा मसाज करना है मतलब मसाज करना है सीरम को चेहरे पे लगा के अच्छे से इससे हमारा मेकअप बहुत अच्छा आता है और हमारे चेहरे भी खिल जाते हैं इसे लगाने से मतलब तो चेहरे पे झुरिया नहीं रहती है चेहरे मुरझुराते नहीं है अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है चेहरे पे बहुत अच्छा रहता है इसे लगाने में और आजकल तो ठंडी का दिन आ रहा है ना तो अब सीरम बहुत अच्छा रहेगा चेहरे के लिए फिर उसके बाद मैंने दस रुपये वाला मॉइस्चराइज़र लिया फ्रूट्स वाला एप्पल फ्रूट्स वाला उसे भी लगा कर चेहरे पर अच्छे से ब्लैंड कर लिया और फिर मैंने लगाया है फेस पे फाउंडेशन फाउंडेशन मेरा लकमे का है तो लकमे का फाउंडेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा गीला गीला सा रहता है तो उसे मैंने मेरे चेहरे पे लगाया अच्छे से और जहाँ आइज़ के नीचे पहले लगाया जहाँ डार्क सर्कल्स होते हैं ना वहाँ पे तो इसे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है डैब डैब करते हुए ब्यूटी ब्लेंडर को ना पहले मैंने पानी में डाल दिया था और उसका पानी पूरा बिल्कुल पानी में डाल दिया था तो फूल जाता है ब्यूटी ब्लेंडर बड़ा हो जाता है फिर उसे ना उसका पानी ना बहुत अच्छे से हाथों से निचोड़ना है जितनी जितना भी पानी है निकाल देना है हाथों से नहीं निकल रहा है तो किसी सूती कपड़े में ब्यूटी ब्लेंडर को रगड़ देंगे तो सारा पानी सोख लेगा कपड़ा और फिर उसके बाद मैंने मेरे आईज पे फिर से लगाया फाउंडेशन क्योंकि मुझे आई मेकअप करना है तो फाउंडेशन फिर से लगाऊँ आईज पे नहीं लगाऊँगी तो जो मेरा आई किट आई शेडो किट है ना वो मेरे आईज पे नहीं चढ़ेगा क्योंकि वैसे भी मेरे पास इतना अच्छा वाला आई सैडो किट नहीं है तो वैसे भी हर कोई चाहे कितना भी महंगा हो लेकिन लगाने से पहले अपने आईज पे फाउंडेशन लगाता ही लगाता है हर एक लेडीज़ तो इसीलिए तो मैंने ना फिंगर की हेल्प से उसे एब्जॉर्ब किया और जब मैंने आई पे फाउंडेशन लगाया था ना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के उसे सुखवा लिया था ब्यूटी ब्लेंडर से ऊपर नहीं सुखवाया था सिर्फ नीचे और फिर मैंने आई मेकअप के लिए पहले लिया गोल्डन सेट आई सैडो और उसके बाद लाल सेट लिया तो दो कलर से मैंने मेरा आई मेकअप किया हुआ है और दो कलर से ज़्यादा मुझे आता भी नहीं है उतनी अच्छी तरीके से मुझे आई मेकअप करना नहीं आता है तो और इतना मेरे पास अभी मैं सीख भी नहीं पा रही हूँ इतना समय नहीं है कि मैं सीख लूँ लेकिन सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि आई मेकअप मुझे और अच्छे से करना आ जाए वीडियो देखूँगी तो अच्छे से मुझे आ जाएगा और फिर इसके बाद मैंने पहले ब्रश से फाउंडेशन कॉम्पैक्ट पाउडर से फाउंडेशन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी ब्रश से मुझसे कम बन रहा था तो मैंने लिया है इस्पॉन्च इस्पॉन्च मिलता है ना कॉम्पैक्ट पाउडर में तो वही वाला स्पंज है उसे मैंने मेरे चेहरे को फाउंडेशन को सेट कर लिया अच्छे से कॉम्पैक्ट बहुत थोड़ा थोड़ा सा लेना है नहीं तो फिर मेकअप ख़राब लगने लग जाएगा मतलब फाउंडेशन को सेट करना है और कुछ भी नहीं कॉम्पैक्ट से इतना आपको समझ लेना चाहिए और फिर मैंने मेरे एब्रो को फील कर लिया है ब्लैक कलर से पैसन वाले ब्लैक कलर है उससे मैं काजल भी लगा लेती हूँ और एब्रो को भी सेट कर लेती हूँ दो दो मेरे काम हो जाते हैं उससे तो अब मैं लगा रही हूँ पेन वाली आई लाइनर पेन या पेंसन कुछ भी आप बोल सकते हैं आई लाइनर लगा रही एक समय था दो साल पहले मुझे नहीं पता था कि ये पेन आ, आई लाइनर है या फिर काजल है जबकि इसके ऊपर लिखा होता है उस समय मैंने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि देख लूँ मैं इसे समझ रही थी ये काजल है और पचास रुपये का मैं खरीद के लेके आई थी जब मैं इसे काजल की तरह लगाऊँ तो लगे ही नहीं है आई लाइनर काजल की तरह लगा रही हूँ तो क्यों ये लगे लग ही नहीं रहा था मैं परेशान हो गई थी फिर मैंने क्या किया इसका मुँह ना थोड़ा सा काट दिया काटने के बाद वो खराब हो गया काजल लगाने की कोशिश कर रही थी फिर भी नहीं लग रहा था तो मैंने उसको फेंक दिया मैंने कहा कि बाप रे कैसे लोग लगाते इतना पैसा भी बर्बाद हो जाता है और ये काजल के नाम पे लूटते हैं ये लगता भी नहीं है काजल लेकिन था आई तो लगे मुझसे कैसे बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो आई था तो मैं इसको काजल की तरह लगा रही हूँ तो कैसे लगे और मैंने काजल भी लगा लिया है और ये मैं लगा ले रही हूँ मस्कारा मस्कारा लगाने के बाद जो आई होती है ना वो मतलब कि वो उनका कलर भी चेंज होता हो जाता है और वो ना खड़े हो जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में आंखें ना सुंदर लगने लगती है इसीलिए एक बार मैंने आई लेसेस लगाई थी तो आप लोगों ने कहा था ना मेकअप की वीडियो में कि दीदी आपका तो आपकी आईस ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी है आई लेसेस आप मत लगाया करो तो बस मैंने उसको रख दिया और लिप लाइनर में लगा रही थी तो ब्लैक कलर का था तो मुझे बाद में अच्छा नहीं लगा तो मैंने थोड़ा सा लगाया और उसको रख दिया होट पर मैंने लगाए हैं लिप बॉम ये पिंक वाली लिपस्टिक है लिप बॉम है लेकिन लिपस्टिक का भी काम करती है डेली में मैं कभी कभी इसे भी यूज़ करती हूँ तो डेली लिपस्टिक की तरह काम करती है देखिए मेरे होंठ गुलाबी हो गए हैं ना और इससे होंठ ना बहुत मुलायम भी हो जाते हैं तो अब मैं मेरे चीक्स पे लगा रही हूँ ब्लस पिंक कलर का ब्लस है हल्का हल्का सा मैंने लगाया दोनों साइड में देख देख के सेट कर रही थी कि आ, कहीं एक तरफ ज़्यादा ना हो जाए और एक तरफ कम ना हो जाए तो दोनों साइड अच्छे से बराबर करके लगाना है ऐसा नहीं कि एक तरफ़ ज़्यादा हो जाए और कम और मैंने ना मेरी फिंगर की हेल्प से ही ब्लश को लगाया है और उसी से ब्लेंड भी किया है अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर मेरे चेहरे पे आ, चेहरे पे नोच पे चीन पे और फोरहेड पे हल्का हल्का सा ये ना मैंने सिल्वर सेट लिया हुआ है वैसे जिस जो हाइलाइटर मेरे पास है ना उसमें आठ सेड हैं तो जो भी अच्छा लगे वो आप लगाओ लेकिन आज मेरा मन था मैंने कहा सिल्वर वाला सेट लगा लेती हूँ तो ये ना मुझे ज़्यादा शाइनिंग लग रहा है ये वाले ये वाले हाइलाइटर में तो ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लगा ही लिया <laughs> आज है यार अली का तीज तो बस उसी खुशी में मैंने लगा डाला है उसको और लिप लाइनर के बाद मैंने लगाया है लिपस्टिक है ये लिक्विड वाली लिपस्टिक पहले लिप बॉम लगा लो ना तो होंठ एकदम सॉफ्ट रहते हैं तो इसलिए और फिर मैं लगा रही थी बिंदी तो बिंदी ना मैं ले रही थी डिजाइन वाली बिंदी गोली वाली आप लोगों ने देखा होगा कि मैं लगा रही थी तो पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आती है मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी देखो शायद मुझे अच्छा लगे लगा के देखती हूँ जब लगा के मैंने देखा तो मुझे अच्छी ही नहीं लग रही थी और जो स्टिकर्स वाली बिंदी होती है ना इसको इसकी मैंने सादी बिंदी लगाई तो मुझे अच्छी लगी ये मैं हमेशा डेली में भी यूज़ करती हूँ और मेकअप की वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग देखते होंगे उसी में भी मैं लगाती हूँ और ये इससे ना चेहरा भी अच्छे से दिखता है उभर के आता है जो डिजाइन वाली लगा रही थी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो इसलिए मैंने इसको लगाया मैं डेली भी यूज़ करती हूँ और मेकअप में भी लगाती हूँ स्टीकर वाली बिंदी तो ये है मेरा फाइनल लुक और बस मैंने सारा मेकअप कर लिया है और पूजा पाठ करने के लिए अभी मैं रेडी हो गई हूँ तैयार हो गई हूँ एकदम से तो मैंने सोचा कि जब तैयारी हो रही हूँ तो एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ तो कान का मेरा ना देखिए पहली बार मैंने सहारा वाली झुमकी पहनी है तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कान में ना कुछ बड़ा सा घुसा जा रहा है मैं बार बार वही कान ही देख रही थी तो इसी के बाद आप सभी को मिलती हूँ कल की वीडियो में और हाँ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को सब्सक्राइब